नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि किसान आंदोलन की वजह से अपना जो क्लास का शेड्यूल है ना वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है दोस्तों क्योंकि जहाँ भी मुझे नेट की सुविधा मिलती है मैं क्लास अपले अपलोड कर देता हूँ तो दोस्तों सुबह अपनी आठ बजे इंडियन पोल्ट्री की क्लास होनी थी वो मैंने कहीं से वाईफाई से कनेक्ट करके और सुबह ग्यारह बजे दी है तो हो सकता है आठ बजे वाली क्लास दोस्तों जब तक नेट की सुविधा ना मिले तब ग्यारह बजे तो आपको मिलती रहेगी और शाम को ये राजस्थान जी के कि आठ बजे वाली क्लास भी हो सकता है कभी कभार मिस हो सकती है जब तक ये नेट की प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की क्लास आज वाला टॉपिक वही करेंगे जो कल हमारा चल रहा था दोस्तों राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण है राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा दोस्तो, है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जैसलमेर में दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा याद रखिएगा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों सलमान खान कांड किस अखेट क्षेत्र में चर्चित रहा है यानी सलमान खांड जो काला हिरण मामले में फंस चुके हैं दोस्तों वो कौन से क्षेत्र में है डोली दवा क्षेत्र में है दोस्तों याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों एक अप्रैल उन्नीस को यह पारित हुआ था दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों गागरोनी तोते मुकंदरा हिल्स में मुकुंदरा हिल्स दर्रे में पाए जाते हैं अगला क्वेश्चन तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है रणथंबोर अभ्यारण्य माधोपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा उन्नीस सौ अस्सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा अगला प्रश्न तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बंद बरेठा बयान भरतपुर किस लिए प्रसिद्ध है जरखों 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 के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन सी सही है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट करना अगला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है इंपीरियल सैंड गाउज किस पक्षी को कहा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों इंपीरियल सेड गाउज किसको कहा जाता है रेत का तितर कहा जाता है दोस्तों बीकानेर में ज्यादा देखने को मिलता है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बस ये बयान चित्तौड़गढ़ से किस नदी का उद्गम होता है चित चितौड़गढ़ से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों ऑप्शन ए ओराई नदी का उद्गम होता है अगला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे बड़ा व प्राचीन जंतवालय कौन सा है कौन सा है दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा बीका जन बीकानेर सॉरी जयपुर जंतवालय सबसे प्राचीन जंतवालय है अगला प्रश्न तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है तो प्रथम स्थान किसका है प्रथम स्थान किसका है दोस्तों असम ऑप्शन डी सही होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा अगला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा सर्वाधिक अखेट निषेध क्षेत्र क्षेत्र वाल, वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक अखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों ऑप्शन है सी सही होगा जोधपुर जिला है जो सर्वाधिक अखेट निषिध क्षेत्र वाला जिला है अगला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध अभ्यारण है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों जी हां सांपों की शरण स्थली ऑप्शन बी सही होगा शेरगढ़ अभ्यारण्य अगला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों बाघ शिफ्टिंग करने वाला राज्य का प्रथम है अभ्यारण कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा दोस्तों बाघों की शिफ्टिंग करने वाला राजस्थान का पहला अभ्यारण कौन सा है सरिस का बारण्य ऑप्शन ए सही होगा अगला प्रश्न तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों वस्य अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है वस्य अभ्यारण ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ से नदी निकलती है दोस्तों और नदी निकलती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना अगला प्रश्न तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों देश में बाघ संरक्षण के लिए बाघ परियोजना कब से संचालित की गई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बाघ संरक्षण के लिए बाघ परियोजना कब से चालू की गई थी दोस्तों नौ सितंबर उन्नीस एक अप्रैल उन्नीस सौ तिहत्तर ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों एक अप्रैल उन्नीस सौ तिहत्तर राइट आंसर होगा अगला प्रश्न तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गजनेर है गजनेर अभ्यन स्थित है गजनेर अभियान कहा है दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा बीकानेर में गजनेर अभियान है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करना अगला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है उमेश पक्षी बिहार स्थित है उमेशगंज पक्षी बिहार कहा है दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा कोटा में उमेशगंज पक्षी बिहार स्थित है अगला प्रश्न तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है राज्य का एकमात्र तितली पारक कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो दोस्तों राज्य का एक मारक एकमात्र राज्य का एकमात्र तितली पार्क कहाँ है दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा जयपुर में राज्य का एकमात्र तितली पार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा इंपोर्टेंट क्वीज की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं अपनी फेसबुक पेज पे विकास विकास जी के क्लासेज विकास जी के क्लासेज और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी विकास जी के क्लासेज पे इंपॉर्टेंट क्यूज़ डालता हूं दोस्तों वहां भी हमें फॉलो कीजिएगा अगला प्रश्न आज का इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों केसर बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है केसर जी केसर बाघ वन्य जीव अभ्यारण कहा ऑप्शन ए सही होगा धौलपुर ऑप्शन ए राइट आंसर है अगला प्रश्न तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों खसखस कहाँ पाई जाती है खसखस क्या होती है दोस्तों ये खसखस होती है दोस्तों ये एक प्रकार की घास होती है सुगंधित घास घास होती है दोस्तों ऑप्शन डी माधोपुर जिले में ये घास पाई जाती है अगला प्रश्न तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कूट नामक प्रवासी पक्षी राजस्थान में कहाँ से, से आते हैं कहाँ से आते हैं दोस्तों कूट ऑप्शन सी चीन से आते हैं कूट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा अगला प्रश्न तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा राजस्थान वन की एवं जैव विविधता परियोजना फेज टू किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई थी दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों जापान की सहायता से राजस्थान वन की एवं जैव विविध भीध, विविधता परियोजना शुरू गई शुरू की गई थी दोस्तों याद रखिएगा अगला प्रश्न इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों देश के एक डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान के कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं दोस्तों देश में कुल डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं एक सौ बयालीस है, है. इसमें से राजस्थान में कितने हैं दोस्तों पिचासी हैं ऑप्शन ए सही होगा ऑप्शन ए राइट आंसर अगला प्रश्न देखना और आज का चौबीसवा क्वेश्चन है दोस्तों जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो 2024 में किसी ना किसी किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन पक्का छपेगा 2022 में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था एक पटवारी की परीक्षा में भी 2023 में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों तो ये जोगी महल एक आए है दोस्तों ऑप्शन सी रणथम्बोर रणथम्बोर राइट आंसर होगा दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है राजस्थान में कितने है है. वन कितने दोस्तों पाँच पॉइंट पाँच सात प्रतिशत वन राजस्थान में पाए जाते हैं और क्वेश्चन है दोस्तों आज का सवाल है इस क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है वो कमेंट में देना है गजनेर अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों कहाँ है गजनेर अभ्यारण्य इस क्वेश्चन का जो आंसर आप मुझे दोगे दोस्तों वो कमेंट में उत्तर देना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना या आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हो दोस्तों तो ये वीडियो वहाँ भी शेयर करिएगा और आपका एक लाइक ही मुझे बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों और फिर बता दूँ दोस्तों जब तक ये जब तक अपने एरिया में हरियाणा और राजस्थान में ये नेट की प्रॉब्लम रहेगी तब तक हो सकता आपकी एक दो क्लास मिस भी हो जाए वरना दोनों टाइम आठ आठ बजे आपको क्लास मिलेगी रात को आठ बजे मिलेगी राजस्थान जी के की और सुबह मैंने सीरीज शुरू की है उसमें कंप्लीट इंडियन पोल्टी इंडियन पोल्टी मिलेगी दोस्तों किसी दिन क्लास मिस भी हो सकती है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम की वजह से क्लास अपलोड नहीं कर पाते हैं दोस्तों वरना आपको कंप्लीट आठ आठ बजे क्लास मिलेगी दोस्तों सुबह इंडियन पॉलिटी शाम को राजस्थान जी के बाकी क्यूज आपको लगानी है दोस्तों तो विकास जी के क्लासेज विकास, जीके, विकास जीके जी के विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर दी कर दीजिएगा दोस्तों तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद